शांतिकरं चैव बंधमोक्षकरं परं स्वरूप ज्ञान निलयं गीता शास्त्रमिदं शिवे यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वंध्या सुपुत्रदं अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् निष्कामजापी विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामा तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयित्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्तः सौराश्च गणपत्याश्च वैष्णवः शैवः पाशुपतः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामेरिपुसंकटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः हे शिवे यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त करता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गीता आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र को देने वाली उनकी वृद्धि करने वाली कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप और पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वो विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य अर्थात सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके सब दुख भय विघ्न और संताप का नाश होता है कि इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वो अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के सूर्य के गणपति के शिव के और पशुपति के मतवादी इसका अर्थात गुरु गीता का पाठ करते हैं, यह सत्य है सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में युद्ध में शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलता है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु पुत्र के शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।